वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब? ओके, अरे उदास है, रीजन बताती हो भी क्या है? आपने पंजाबी में सुना है गरारी, मतलब गरारी अड़ जाती किसी गल पे। मेरे ना बहुत टाइम से ना एक ना गरारी अड़ी हुई है, मतलब किसी चीज़ पे, कि मुझे ना झूला चाहिए। झूला वो जो आता नहीं है रॉड का झूला, बड़ा सा, उसके अंदर ऑरेंज कलर का वो पड़ा होता है, यू नो, गद्दी सी लगी होती है, पिलो पड़ा होता है, वो मेरा बहुत टाइम से मन है, लेकिन घर पे जगह बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक इंच भी जगह नहीं है। लेकिन ना जिनसे हम हमेशा फर्नीचर लेते ना, वो देखो, अभी इसके बारे में डिटेल नहीं दूंगी, इसके बारे में डिटेल दूंगी मेकओवर वाली वीडियो में। कोई समथिंग है, कुछ आने वाली है मेकओवर वाली वीडियो। ये तो पता नहीं क्यों बीच में मैं जस्ट ऐसी रैंडम सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरा ना बहुत मन था झूला वगैरह लेने का, फाइनली जिनसे हम हमेशा फर्नीचर लेते हैं, तो उनका मुझे आया अभी व्हाट्सएप पे मैसेज, फ़ोन भी आया कि झूला आ चुका है, अगर आपने लेना आप ले लो। उनको पता था कि इसको अगर छेड़ूंगा हाँ, नहीं बोला मैंने उनको, उनको पता था कि अगर मैं इसको बोलूंगा ना बार बार कि देख लो अच्छी क्वालिटी है, प्राइस भी अच्छा है, ये तो ये मान जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये इसकी ना बहुत टाइम पहले से उनसे पूछ रही थी झूला लेके आओ, झूला लेके आओ। लेकिन मेरे को सेकंड थॉट था मेरे माइंड में कि मेरे पास जगह नहीं है, जगह नहीं है। बट फाइनली गाइस, अभी उनको मैंने बोला नहीं है, बट मैंने जगह यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट तो कर ली है, थोड़ा बहुत साइड करके, एक दो प्लांटर्स पड़े थे, चेयर पड़ी थी, चेयर को मैंने थोड़ा इस तरफ रख दिया, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, बट क्या करें, अब मन कर रहा है मेरा। और इसको बता दिया मैंने कि बेटा झूला आ सकता है विद इन आधा घंटा झूला आ सकता है, बस मेरे को एक ही बस ये बोलना है मैसेज पे, भेज दो। यस, एंड ही इज़ लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड। अब मैं क्या करूँ, अरे बोल दो उनको, ओके मैं उनको फ़ोन करती हूँ कि भेज दो झूला। आर के पापा को बोला तो उन्होंने बोला कि चल छोड़ो, क्या फालतू खर्चा करना है, फालतू इतनी जगह भी नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है उनकी बात छोड़ो, मेरे को चाहिए उनकी बात छोड़ो, मेरे को चाहिए ना, चाहिए। चल बोले उनको, चलो मैं उनको जरा मैसेज फ़ोन करती हूँ कि मुझे झूला भेज दो। भाई को भी बड़ा पसंद आया, भाई को मैंने फोटोज़ वगैरह भेज दिए हैं, तो उसको भी बड़ा पसंद आया। क्या है, कितने का प्राइस क्या है, पहले आने दो, फिर बता, फिर मिलती हूँ। गाइस फोन कर दिया मैंने, अरब मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है। अरब, आर यू एक्साइटेड? क्या करें यार, बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। ओके, अरे फोन हिल रहा है मेरा, रुक जा। कुत्ता, अरे माय गॉड, बच्चे को खुशी दे सके उससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए। मैंने बोला बेटे झूला अगर आए तो, कहता कब आएगा, मैं कहा बस मेरे को ना एक मैसेज करना पड़ेगा, भेज दो उतनी देर में आ जाएगा। तो ही वाज लाइक मम्मा जल्दी करो। बट फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, मुझे लगा चलो यार ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट होती है हमेशा याद रहती है। हम यूट्यूब के चैनल के लिए कुछ वीडियोज़ नहीं बनाते, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोमेंट्स, ये देखो जब बड़ा होगा तो इसको ये चीज़ें याद रहेंगी, किसने ये कैसे रिएक्ट किया, अरे मेरा चश्मा भी इधर उधर जा रहा है, अरे बंदर हट। इसको बड़े होके भी इसको ये ना याद रहेगा कि मैं देखो ऐसे रिएक्ट किया था जब यू नो झूले आने की बात थी, ये वो। पर इससे ज्यादा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जब बढ़ाऊंगा तब भी उस पर ही झूलूंगा, पापा को सरप्राइज भी लगा। पापा भी झूले के, ये उनको मैंने मैसेज किया, मैंने बोला देखो ना झूला आ गया और इतने का मतलब ऐसे है, तो उन्होंने बोला छोड़ो ये वो, आरव को बताया उन्होंने, पापा को छोड़ो मम्मा आप बस करो जल्दी बोलो। अरे बेटा अच्छा बस मेरे बंदर चल हट तो आए रब्बा। अरे छोड़ गाइस, देखो ऐसी खुशी के लिए इंसान क्या कर सकता है। मैं फोन बंद कर रही हूँ, हट तू यहाँ से, आने दो आधे घंटे में आ जाएगा, तब तक बाहर तो हमने जगह तो खाली कर दी है, बस आने जाने का रास्ता निकल जाए, एक आधा पैर निकाल लें बस, और कुछ नहीं है भाई, क्या करें। अब थोड़ी सी अड़ी हुई है गरारी कि चाहिदा उन झूला, चाहिदा तो चाहिदा, बस छड़ मेरा चश्मा, बाय गाइस बाय, आने दो फिर दिखाते हैं। श्रीकाल जी वदिया आ जाएगा, इन्नी को जगह चु
कुछ ज्यादा ही जगह ले रहा है। हेलो, हाँ जुड़ना पड़ता है, इतना बड़ा सा देख जुड़ रहा है। अच्छा वो कुछ नहीं, वो अंदर नहीं ना आ रहा होगा इस वजह से, ज्यादा बड़ा आ रहा भी है। तो छह पीस बिक गए मेरे, देखिए अच्छा लग रहा है। बस तू तो बैठ जाना, मैं तो वैसे वेट देख रहा था। हाँ से चेक इन ना, वेट कर सकता है प्राइस 12 यार, वैसे तो दिखाना कितने बंदे ने। अरे मजा आ रहा है, खुद हिला ऐसे ऐसे करके, हिल हिल मेरा बेबी। अरे कैसे कर रहा है, अरे गिर जाएगा। अरे मैं हिलाती तुझे, देख जरा तू आ जाएगा इसमें सारा। अरे तू जा रहा ही आ गया। अरे ए रुक 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 रुक, ये ऐसे गोल भी घूम जाता है। अच्छा गाइज, मेरा इतने टाइम से जिसको कहते नहीं सपना पूरा हो गया, ये इतना मतलब 11,000 का था। बट ये बात है ना कि जो चीज अड़ी होती है ना समटाइम्स, बस वो चीज मुझे बस हो गया, मतलब पूरा मैं क्या बोलूं। अरे अगर जिद नहीं करता ना तो मैं लेती भी नहीं, मुझे था कि चल यार स्पेस नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी। पर यार एक चीज बोलूं, जो मेरे इतने प्लांट्स पड़े हैं ना उसके साथ ही इतना सुंदर लग रहा है ना, ये कूलर को हटवाते हैं यार यहाँ से। इसके आरफ के पापा को बोल दे कूलर को ऊपर शिफ्ट करो या उस तरफ शिफ्ट करो, तो मेरी ये वाली जगह भी खाली हो जाएगी। बट कूलर चला नहीं रहे हैं, इतनी गर्मी आजकल एसी चल रहा है, स्टिल कूलर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे हैप्पी बांदर, डर क्यों लग रहा है का मानो चावली 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 चावली। असि उत्थे रखना वो उत्थे। गाइज एक्चुअली बाहर फैन नहीं है ना, तो कल ही इसके पापा फैन लगवाएंगे, बस उतनी देर ये एंजॉय कर रहे हैं और क्या। आरव ये वाला फैन लेके बैठा है, ये छोटा वाला फैन है आज सुमित ने भेजा इसके लिए। ओ हाँ के अंदर टॉयलेट में पहले तो मजा आ रहा इतना आ जाता है। चलो गाइज आरव हटने का नाम ही नहीं ले रहा, बैठा हुआ उस समय से यहाँ पे। अरे चल अंदर एक और पी लो जाके, अंदर से ले आया क्या, तो मैंने जाना ही नहीं। चल आ रहा है अंदर, चल नहीं जाएगा, आज यही सो जाऊंगा इस पर ही बैठ गया। आज इसी पर सो जाएगा तू इस पर ही। हाँ चल, मेरे को तो भूख लग रही है, मैं जा रही, बाय। गाइस झूला तो सेट हो गया है, अब करते हैं थोड़ी सी पेट पूजा। ये व्हाइट वाली दाल है, आपको पता है इसके साथ दही भल्ले भी बनते हैं, और वैसे भी ये मेरे दाल वाले पकौड़े खाने में टेस्टी लगते हैं। 5-6 घंटे से मैंने इसको भिगो के रखा होता है, काफी सारी दाल, आधी तो मैंने ऐसे छोड़ दी, आधी जितनी दाल थी उसको मैंने पीस लिया अंदाजे से यार, भिगो दिया था, मुझे नहीं पता कितनी भिगोया मैंने, 250 ग्राम पता नहीं 300 ग्राम मैंने इतनी भिगो दी थी। इसको छोड़ दूंगी फ्रिज में रख दूंगी, इसको कल इसका काम करूंगी, इसके दही भल्ले बनाऊंगी। अभी मैंने थोड़ी सी दाल को पीस लिया, आपको दिखाती हूँ। ये देखो दाल को मैंने पीस लिया, और अब इसको मैं एक बर्तन में निकालती हूँ, थोड़ा सा पानी डाला था मतलब डल गया था यार आधा कप अंदाजे से, आप देख लो बहुत ज़्यादा ये
थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको बाउल में निकालती हूँ और नमक, लाल मिर्ची और किशमिश डालेंगे। दैट्स इट गाइस, थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, टेस्ट कर लेना यार, अंदाजे से ही डालूंगी मैं। पहले इसको टेस्ट करती हूँ मैं हल्का सा। ये ब्लैक कलर का ना कीड़ा नहीं गिरा। वो जो होता नहीं कलौंजी, ये वो चीज़ है। ठीक है, गलती से इसमें गिर गई थी तो वही गिर गई। बाकी सारे वॉश करने के लिए हैं ये, इसको अभी वॉश करना है, मैंने करवाना है मतलब आंटी से इसको। और मैं साथ में इसके अंदर डालूंगी रेड चिल्ली। गाइस इतनी रेड चिल्ली, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ये भी मैंने बचा ली क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना आरम, नहीं तो खा नहीं पाएगा। एंड गाइस फिर मैं इसके अंदर डालूंगी खूब सारी किशमिश, मतलब लाइक खूब सारी, इतनी सारी भी नहीं, नहीं शायद ठीक है, मेरे को अच्छी लगती है, यस ठीक है इतनी, मुझे लगा ज़्यादा गिर गई। ठीक है, मिक्स करूँगी, हल्का सा नमक वगैरह चेक करूँगी एंड बस इसको फेंटो थोड़ा सा आप, इसको 5-7 मिनट ना अच्छी तरह से आप इसको फेंटो, तभी ये फूलेगा। मिक्स करो बस, पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसी समय बस पानी ऐड किया था जब मैं इसको करी थी। जब भले बनाने बस इसी के साथ ही बन जाते हैं, आपको पता ही है। ये तो यार मैं ब्लॉग शूट कर रही थी ना, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लॉग करो ब्लॉग करो, अब ब्लॉग नहीं करते, ये लो ठीक है। अब आई गेस ये रेडी है, तेल भी हमारा रेडी हो चुका। अब गाइज आपने इसको डालना कैसे है, पहले तो देखो थोड़ा सा डाल के चेक कर लो, ऑयल तो एकदम सही है इसका। ठीक है, अब मैं आपको पहले इस एंगल से दिखाती हूँ। स्पून को ना हल्का सा गीला करो, ये यार मेरी मम्मा ऐसे करती है, ठीक है ना। भाई भाई का भी यूट्यूब का चैनल है, आपको पता ही, अरे ज्यादा चला गया इसके अंदर, जो ए ऐसे ऐसे जितनी बार भी करना है पानी में इसका ये डाल रहा है और इसको ऐसे डाल, ठीक है। गैस को आप रखो थोड़ी सी मीडियम पे, गैस को आप थोड़ी सी मीडियम पे रखो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बस आपने डालते जाना। आई नो इट्स नॉट हेल्दी, डीप फ्राई इतना है, पर क्या करें, कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। बाकी यार जितने बचे हम इसके भले बना लेंगे ना, भले बनाने का क्या होता है ना गाइस, जितना होता है ना बनाने के बाद इसको हम पानी में डाल के इसका जितना पानी ऑयल होता है सब निकाल देते हैं, फिर बच जाती सिर्फ ये दाल दाल, बस उसके साथ दही वगैरह डालने क्या। पाँच मिनट के बाद आपने इसको हिलाना, उसी समय हिलाओगे ना तो दाल फैल जाएगी। 5 मिनट के बाद हिलाओगे ना तो देखो बन गए ना फूले फूले से एकदम। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने दो मीडियम फ्लेम पे, तेज पे मत करना नहीं तो ऊपर ऊपर से काले हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको होने दो, आप उतनी देर मैं रखती हूँ अपनी चाय। गाइज इट्स ऑलमोस्ट डन, देखो कितना सुंदर कलर आया है एकदम फूले फूले से। ठीक है चलो निकालते हैं इनको बहुत ध्यान से। भाई तो मेरे भाई का भी एक यूट्यूब का चैनल है मिस्टर बग्गा किचन, जो बहुत यमी यमी रेसिपीज बनाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज आप मेरे भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। ये तो मैं कुछ भी नहीं बना रही यार, वो जो चीजें बनाता है ना वो मतलब आपको पता ही है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको पता ही है। चलो जी आ जाओ। चलो अब देख के आते हैं आरब के पापा को, साथ में डालती हूँ मैं इमली की चटनी। यम्मी यम्मी, अभी तो बहुत गर्म है यार, बहुत गर्म है। चलो देख के आते हैं। ये बैठी मेरी नोनी, तेरे दूध गर्म है बेटा, अभी गर्म है, पापा को दूंगी, तेरा दूध पड़ा हुआ, दूध देती हूँ मैं तुझे, कब दो, क्या हो गया, देती हूँ मैं, फोन देती हूँ। देखो गाइस बच्चों वाले कप इसने मेरे से मंगवाए थे अमेजोन से, 4-4 कप मंगवाए, दिखाऊंगी इसे अमेजोन हॉल में। गाइस पकौड़े रेडी, चाय रेडी, एक चीज दिखाते हो आपको मैं, अरे रुको 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 गाइस क्या हुआ, मैं राइस नहीं क्या, एक्चुअली मैं फोन पे हूँ ना, मम्मा से बात कर रही हूँ। ए यस, अरे हिलाना नहीं है बेटा, हिलो अरे। आरव के पापा ने ना झूला अंदर कर दिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, अभी हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, हमने एसी चलाया ना तो इसको अंदर कर लिया रूम में। ठीक है बाद में इसकी करते हैं सेटिंग। और क्या
ये देखो मैं और मैं कर रही हूँ अपनी मम्मा से फोन पे बात टिन टिन और वो उस पीछे बना रहा हूँ। चलो हाँ खाओ आराम रुको हाय गाइस ये देखो मेरी मम्मा कितने टाइम के बाद नहीं टाइम के बाद नहीं अभी। नहीं पता उनको नहीं मम्मा मेरी वीडियो में ताती रहती है हेलो बलमा हेलो ये देखा रहा नानी अच्छा मम्मा देख लो अच्छा तो मैं ही दिखाता मैंने मम्मा को बोला था ना कि मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी मम्मा देखो अच्छा देख लो फिर पिछो भी देख लो बैकग्राउंड कमरे च है वो चेंज किया है सारा तुम वीडियो चाहेगा वीडियो पाती हूं मैं गिर जाएगा बेटा खड़ा मैं तो अच्छा मम्मा हाय गाइस अभी की जो आप क्लिप देखोगे ना मैं इसमें इंक्लूड नहीं करने वाली थी इस व्लॉग में लिटरली कोई भी मैं एक्चुअली आज का व्लॉग ही नहीं शूट करने वाली थी रैंडम सा व्लॉग था पता नहीं कैसे झूले आने का प्लान बन गया मुझे एक्चुअली उनका मैसेज आ गया फिर फोन आ गया कि अच्छा है प्राइस भी ठीक तो मेरा भी मन था ही लेने का चलो वो आप छोड़ो तो रैंडम सा व्लॉग फटाफट से स्टार्ट कर लिए ये क्लिप मैं इंक्लूड नहीं करने वाली थी बट आई थॉट कि चलो मैं ट्राई करती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन है लाइक फर्स्ट वाला इंप्रेशन मैंने अभी नहाना है लेकिन उससे पहले कितनी देर इसको रखना है 20 मिनट का लिखा है 20 मिनट आई गेस इसको रखना पड़ेगा 20 मिनट तो इतना टाइम तो मुझे लग जाएगा क्योंकि अभी आरव को रोटी खिला रही हूँ गैस के ऊपर दूध रखा है मुझे होता है नहाने से पहले ना मैं अपना सारे जितने कचपच वाले काम है ना सारे अपने कर लूँ और आरव अभी दूध रखा है तो मतलब मुझे अभी किचन में ही रहना पड़ेगा तो गर्मी होती है ना बाहर मुझे प्लांट्स में पानी डालना है जो कपड़े सूखे हुए पड़े हुए थे सोफे के ऊपर उसको मैंने जोड़ के अलमारी के अंदर रखना मतलब छोटे 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 काम है 20 मिनट्स तो मुझे लग ही जाएंगे आई थॉट मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ फर्स्ट टाइम डर्म डॉग का ये है मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा विथ डीप एंथेनॉल और इसको लगाने के बाद ना गाइस आपको ना स्पा ले सकते हो लाइक गर्म टॉवल के साथ आप रैप करके आप उसको 10 मिनट्स के लिए रख सकते मतलब आप उसको गर्म टॉवल्स के साथ आप रैप करके 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको आराम से रख सकते हो ठीक है मैं गर्म टॉवल के साथ तो नहीं कर रही क्योंकि अभी बस इतना टाइम नहीं है प्लस मुझे टच करने में बड़ा मजा आ रहा है लिटरली मतलब एकदम क्रीमी क्रीमी सा था देखो मैं आधा लगा चुकी इतना इस पोर्शन में मुझे इसका टेक्सचर पसंद आया तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट फर्स्ट इंप्रेशन करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स का तो ये वाली वीडियो में थोड़ी सी क्लिप इंक्लूड कर दूंगी परचेज लिंक्स मैं आपको दे दूंगी अगर देखने दो मेरे को लगाने दो क्योंकि अभी तो देखो बड़ा मजा आ रहा है इसको लगा के इट्स लाइक सो ग्लोई इन टेक्सचर यार मजा आ रहा है मतलब एकदम पिघला हुआ बटर नहीं होता रूम टेम्परेचर वाला बटर रूम टेम्परेचर वाला ये मुझे बटर लग रहा है एकदम वैसा लग रहा है और चलो पहले मैं इसको लगा लूं मैं सिर्फ पानी के साथ अपने हेयर को वॉश करूंगी काफी रफ रफ से लग रहे हैं और कोई नया हेयर कलर ट्राई करने का सोच रही बहुत जल्दी लाइक लिटरली बहुत जल्दी बताऊंगी मैं आपको ठीक है कोई नया हेयर कलर है आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा काफी अच्छा वाला ब्रांड है एंड जब मैंने लास्ट टाइम हेयर कलर ट्राई किया था ना तब मुझे किसी ने कमेंट भी किया था लास्ट टाइम मैंने गार्नियर का हेयर कलर किया था वो वाला वीडियो भी अपलोड की थी बाय द वे गार्नियर का कौन सा गोल्डन ब्राउन वाला तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दी अब आप कुछ ये वाले ब्रांड का भी ट्राई करो तो कोई बात नहीं उस ब्रांड का भी ट्राई करते हैं हेयर कलर तो इसको पहले लगा लूं मैं गाइज ये है डर्म डॉग का मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा विथ डीप एंथेनॉल 100 ग्राम के आपको पैकेजिंग मिल जाएगी और पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री है ये प्रोडक्ट अगर आपके बाल रफ डल ड्राई फ्रीजी हैं तो आपको ये वाला जरूर हेयर स्पा लेना चाहिए मैंने तो जस्ट मास्क इसको लगाया मास्क की तरह अब पूरा प्रॉपर हेयर स्पा वाले जो होता है ना प्रोसेस आप उसको फॉलो करो लाइक गर्म यू नो उसके टॉवल के साथ या फिर आप जो कैप आती है हीटिंग वाली कैप आप उसको यूज कर सकते हो ये आपके बालों को सॉफ्ट करेगा मॉइस्चर को रिटेन करेगा शाइन ऐड करेगा नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और इनकेस अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखना चाहते हो ये लो मैं आपको दिखा देती हूँ आप रीड कर लेना
ठीक है, और 299 रुपीज इसका प्राइस है, और 3 इयर्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। अंदर से कुछ इस तरह का ये इसका टेक्सचर है, देख सकते हो आप, एकदम बटर की तरह इसका टेक्सचर है, जो सॉफ्टन बटर होता है ना, बिल्कुल उसकी तरह। गाइस मैंने नहा लिया, सॉरी थोड़ा सा मैं धीरे बोलूंगी क्योंकि उधर लेट हो गया, जोर जोर से क्या बोलूं, बहुत रात हो गई है। मैंने नहा लिया और ट्रस्ट मी, लाइक प्लीज ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने पहली बार इसको यूज़ किया, मैंने पहले नहीं यूज़ किया था। डर्म डॉग का मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा, मैंने 300 रुपये में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, मतलब 300 रुपीज़ में इतना सही वाला प्रोडक्ट। मैंने 800 तक के भी जो क्रीम होती है ना, लाइक हेयर पैक जो हेयर क्रीम जो होती है, मैंने 800 तक के भी हेयर मास्क वगैरह ट्राई किए, हेयर क्रीम हेयर मास्क एक ही चीज़ होती है यार, घूम फिर के वही होती है चीज़ें, मैंने 800 तक के भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता, ठीक है। लेकिन अगर आपको 300 रुपये में अगर आपको ये वाला अच्छा रिजल्ट मिले तो यार क्या बुरी बात है। 299 रुपीज़ इसका प्राइस है, डेफिनेटली पर्पल के ऊपर सेल चलती रहती है, प्लीज़ ट्राई करो, मेरे कहने पर एक बार बस ट्राई करो। जैसे ही मैंने जब पानी डाला ना इसके ऊपर, मेरे बाल ऐसे थे, ऐसे 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 चल रहे थे मेरे बाल, मतलब ऐसे समझ रहे हो, अपने आप इतना फ्लो आ गया बालों में, इतना जैसे ना, और आफ्टर रेसिड्यू कुछ नहीं था, जैसे तेल टाइप से या कुछ भी ना आफ्टर रेसिड्यू होता ना अजीब सा, वैसा कुछ भी नहीं था, एकदम सॉफ्ट हो गए थे मेरे बाल। धोते समय मुझे पता लग गया था, नहीं तो कुछ चीज़ें होती हैं, कंडीशनर भी ऐसे होते हैं कुछ ब्रांड्स के कि अगर आप धोने के बाद भी ना आपको ऐसा फीलिंग आती है कि भैया कंडीशनर ही नहीं लगाया, समझ रहे हो, जैसे कुछ ब्रांड्स होते हैं ऐसे जिनका नहीं जमता तो फिर वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो भी आती नहीं है फिर। अच्छा, ये बेहद पसंद आया, प्लीज़ आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करें, आई एम डैम श्योर मुझे गालियाँ नहीं पड़ने वाली, आई एम डैम श्योर मुझे गालियाँ नहीं पड़ेंगी। 300 का है, आपको पक्का कोई ना कोई डिस्काउंट पे चल ही रहा होगा, आपको मिल जाएगा। बाल खोलूँ और सीरम वगैरह लगाती हूँ, खोले नहीं थे मैंने अपने बाल। हाँ एक और चीज़, अभी तो मैंने इसको वैसे यूज़ नहीं किया जैसे इन्होंने बोला था, मेरे बाल मैंने कब धोए थे, परसों मैंने वॉश किया था, और आज मैंने जस्ट वैसे ही यार किचन का काम कर रही थी, पता नहीं क्या दिल में आया, ये साफ नजर आया, मैंने बोला चले यार नहाने से पहले अभी आधा घंटा टाइम है, नहाने में थोड़ा सा घर का काम फिनिश कर लूंगी तो इसको लगा लेती हूँ, बस बाई चांस इसको मैंने लगाया। इन्होंने लिखा है बल्कि आपको इसको लगा के ना आपको शावर कैप या फिर गर्म टॉवल आपको लगाना है तो उसके साथ और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो मैं अब किसी दिन वो भी ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी तो जस्ट मैंने बड़ी जल्दी जल्दी लगाया, बाल देख सकते हो अब एकदम आराम से हैं, ये देखो अभी आपके सामने खुला ना, सुलझे सुलझे से देखो, नहीं तो आ जाते हैं कोई इतने आराम से बाल, हाँ जाता है कोई बालों में इतने आराम से, देखो अभी तो मैंने वो नहीं लगाया, सीरम तक नहीं लगाया। चलो मतलब बेहद अच्छा वाला प्रोडक्ट है, ज़रूर आप ट्राई करो, आवाज़ आ रही है यार आपको मेरी, लीव ऑन का सीरम है, क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी मैंने इसकी ख़त्म कर दी, और भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ना सीरम आए हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा है मेरा फेवरेट है, और अच्छे ब्रांड का आया हुआ है, लॉरियल का सीरम आया हुआ है तो उसको भी अभी ट्राई कर रही हूँ, तो उसकी भी वीडियो आएगी। थोड़ा सा मैंने सीरम लिया सिर्फ नीचे नीचे वाले बालों पे, अब बाल गीले किए हैं धोए हैं तो सीरम तो लगाना बनता है ना, ठीक है। और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, सच्ची में बहुत पसंद आया, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें चीज़ें देखनी पड़ती है ना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं दी आप इतना महंगा महंगा सामान दिखाते हो, थोड़ा अफोर्डेबल दिखाओ, तो चलो दिए हेयर क्रीम है अफोर्डेबल में, 300 रुपीज़ में, बेस्ट वाला प्रोडक्ट है, अब ट्राई करो, स्पॉन्सर्ड नहीं था यार बस अब अच्छा लगा, सामान पहली बार यूज़ किया अनएक्सपेक्टेडली अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 300 में इतना बेस्ट वाला जो महंगे से महंगे हेयर स्पा क्रीम को टक्कर दे सकता है, ये इतना मुझे बेहद पसंद आया। चलो डन विद दिस, हाथ धो के आती हूँ क्योंकि स्किन केयर करनी है। गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उसके बाद मैंने ना नहाने के बाद अपने स्किन केयर रूटीन भी की थी, वो 15 मिनट की और वीडियो थी, इसमें इंक्लूड करके टोटल वीडियो 40 मिनट्स की हो रही थी, मुझे इतनी लंबी नहीं अपलोड करनी थी, इसलिए उसको टू बी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाले झूला आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी ने लास्ट व्लॉग में ना आरफ के स्टडी टेबल के बारे में पूछा था, वो भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, उसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, लव यू ऑल, बाय।